तो देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सीजीएल या सीपीओ के एग्जाम में। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, आप कुछ ही सेकंड में इसको निकाल सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था जैसे सीजीएल के 2022 में थर्ड शिफ्ट में। अभी देखिए दिया है आप -5 + 5 + अभी देखो ये डिवाइड में आपके पास बॉडमास रूल है। बॉडमास क्या बोलता है? BODMAS। तो BO कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास अभी, क्योंकि वो है नहीं। DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड होगा, तो सबसे पहले डिवाइड करो। डिवाइड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे हम लोग स्कूल में लिखते थे, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखो इसी को मैं इस तरह से लिख दिया है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है मतलब। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई बाजू बाजू में है उसको आप क्या कर दो, कट कर दो सेम सेम अगर है तो। ये कट हो गया, ठीक है। आपके पास बच रहा -5 + 5 + 625। माइनस और प्लस सेम सेम वैल्यू रहती है, वो भी कट हो जाती है। आपके पास क्या बचा है? 625। ये आपका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है।